ओके लोग की सुनिए बैठा करके बच्चे को फिर से एक बार बैठ करा दीजिए ठीक है क्योंकि आपकी आवाज आएगी तो और बच्चों की हमारी आवाज ही नहीं आएगी बोल रहे हैं नहीं आता बनाना देखो ये दिखाना पहले पेट दिखो दूर डिस्टेंस एक ही मात्रा लगा माँ में तू ठीक है आप ना एक बहुत सरल है आप लोग दो दो बार लिखेंगे ना जैसे आपने एक लिखा फिर एक बार और लिख दिया एक आप लोग अपनी कॉपी जैसे लिखिएगा दो ठीक है बच्चे दो दो बार जब राइट करेंगे ना बेटा तो आप लोग को खुद ही लिखना आ जाएगा क्या है देखिए हम लोग ऐसे कोड लिखते हैं ना अगर आप हिंदी में कैसे लिखेंगे देखिए ऐसे एस बनाया और इसको ऐसे कर दिया चार एक दो तीन चार कैसे देखिए हम लोग कैसे फाइव बनाते हैं ऐसे बनाते हैं ना तो अब हम लोग इसको ऐसे नहीं बनाएंगे हिंदी है ना ये तो इसमें देखिए कैसे बनाएंगे जैसे इंग्लिश का फोर बनाते हैं इसको ऐसे कहते हैं अब इसमें चंद्र बिंदु भी आप पढ़े नहीं है मगर देख लीजिए ऐसे लगाया जाता है देखो इस तरह हो गया आप लोग का yes, ma'am. इरेज कर दे yes, ma'am. उत्कर्ष हो गया आपका उत्कर्ष आपने राइट कर लिया yeah, मेरा यहाँ पे
पेंडिंग लाइन बताइएगा आप लोग कंप्लीट कर लीजिए बताइए फिर रिवाइज करके और लिखवाएं वेरी गुड पहचान ओके दिखाइए शो करिए वेरी गुड अयोध्या कौन सा करो और जैसे बना वैसे नहीं बनता जैसे मैम बना नहीं बना पाते आपको पता है कि नहीं सिक्के हिंदी में क्या कहते हैं कैसे लिखते हैं पता है देखिए एक सर्किल बनाया एक सर्किल दूसरे हाफ सर्किल बन गए और एक छोटी सी ट्रेन बना दिया अब लिखते हैं इसको कैसे हैं देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं तो आप लोग ये वाला सीखिए क्योंकि अभी आप लोग ने मात्रा नहीं सीखी है ना तो आप लोग छह लिखिए अभी बनाओ ना लाइन जैसे तो बना ठीक है ऐसे हम लोग सो बेटे में लगा सकते हैं देखिए ऐसे अगर अभी आप लोगों ने सिखाया नहीं है इसलिए आप लोग छह ही लिखिएगा बस आपकी बात जैसे लिखने में दीजिए बेटा दिया आपने हुआ अच्छा अच्छा साफ साफ लिखिएगा एकदम सुंदर सुंदर ठीक है चलिए हम लोग क्या लिखेंगे एक एक लिखते हैं ना ऐसे एक होता है अब हम लोग कैसे लिखेंगे ये आठ ऐसे आठ ठीक है अब देखिए कैसे लिखे हैं ठीक है ऐसी मात्रा ऐसे तेरा आठ आठ लगा क्या क्या भैया मैम कर ले दीजिए बेटा सब लोग कर ले कर लेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे ठीक है देखिए नाइन कैसे बनाते
ये नाइन हमारा इंग्लिश का होता है और ये है एट की तरह बना दिया हमने, एक और ऊपर बना देंगे जैसे शंकर भगवान का त्रिशूल होता है ना, वैसे ही ऐसे तीन लाइन बनेगा। ठीक है, अब इसे कैसे लिखेंगे? मात्रा और की मात्रा होती है, भी आप अभी नहीं पढ़े हैं। जब डंडी खींचोगे उसमें मात्रा लगेगी, बड़ा डंडी जब खींचोगे उसमें मात्रा लगेगा दोनों। दस अभी कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट कर लेंगे दीजिए बेटे, सब लोग कंप्लीट कर ले गए। राध्या शो करिए, वेरी गुड। ऐसे तो प्रैक्टिस बता दीजिए ना, वन तो करिए और पास से और पास से दिखाइए। दिखाई दे रहा है, कंप्लीट कर लिए पहले तो हम देखते हैं, सब लोग पहले कंप्लीट करिए। हमने कंप्लीट कर लिया। यस मैम, यस मैम। अब हम लोग रिवीजन वाला बात करेंगे, ठीक है मैम? हमने आप लोग को रंगों के नाम लिखवाए थे ना, रंगों के नाम हम आपको लिखवा चुके हैं। यस, तो आज हम आपको काम देंगे और आप हमको बताइएगा कि क्या राइट करना है और ये अपने आप ही करेंगे। आप लोग इरेज कर दें, इसने कंप्लीट कर लिया। जल्दी करिए उससे, वन दिया आपने कर लिया, वेरी गुड। बहुत अच्छा। यस मैम, गया कंप्लीट। उसका टाइम लगेगा। यस मैम, ओके हमने कर लिया, हमने फिर कर दी। कौन नहीं बोल रहा है, अपना नाम बताइए, किसने कंप्लीट नहीं किया? मैंने कर लिया। रेज मत कीजिए, अपना नाम बताइए। शशांक, शशांक जल्दी जल्दी करिए बेटा, कर लिया। हो गया,
कर रहे हैं ठीक है ठीक है मैम हो गया ठीक है बेटा मेरा भी हो गया मैम हो गया एन लिखो एन एन लिखो एन एक बार
चुनकर लिखिए चित्र बनाई गई मैंने क्या लिखा है आम बनाया पहले आम बनाया दूसरा क्या है सीधी डंडी खींचिए हाँ अब जैसे लघु बनाते हैं चार से गहराई में लाइए एक में गहराई लाइए सेकंड नंबर में क्या करेंगे आपको बताइए क्या लिखेंगे नीचे लाइन सेकंड पीले है सफेद अभी नहीं कलर इसमें भरना है येलो कलर सफेद पहले कलर का बादल बादल किस कलर का होता है वो डाल दिए दो नंबर डाल दिए और नीचे ही और हाँ यहाँ डालिए अलग बनाइए गोटा बनाइए तो थोड़ा नीचे से बनाइए बनाइए बताइए पहले तीनों में तीनों क्या लिखेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे तुम बनाओ पहले जैसे करना चाहिए वहाँ बना दिए गए चित्र के सामने उनका रंग चुनकर लिखिए तो चित्र बना दिए हैं हमने सबसे पहले आम बनाए हैं फिर अनार बनाया है उसके बाद हमने खूब चाहिए अब इसमें रंग लिखने हैं इतना बना लीजिए फिर हम आगे और करें इसको कम्प्लीट करना है हम नहीं बताएंगे इसको कुछ क्योंकि हम सब करा चुके हैं ना अब बड़ा बड़ा बनाइए ना बड़ा बड़ा ट्री बनाइए आपको पता है बादल में कौन सा रंग होता है ना काई ये सब लोग बताते हैं ना क्या होता है वो आपको भरना है मैंगो या क्या होता है ना आप ये बना लीजिए तुम और आगे बताए ऐसे लगाओ आप पहला वाला मिटा रहे हैं चटनी तो बनाइए चलिए आप क्या बना रहे हैं देखिए बहुत नंबर पे नहीं
कुछ नहीं है। अरे नीली काली किस कलर की होती है ज्यादातर? इसके आगे आप लोग को लिखना है, हमने लिखवाई है, हम एक बार लिखवा चुके हैं ना कि रिवीजन बंद है। हिंदी में आपको लिखना है, इंग्लिश में नहीं लिखना है। सबको सब चीज हिंदी में लिखना है क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट है ना, इंग्लिश में नहीं। हो गया ठीक है। मतलब बताओ आज हाल हुआ क्या? ये वाली क्योंकि आप लोग को इसका नेम लिखना है। एक सर बनाइए आपको काला मतलब बनाइए और नीचे बनाइए जैसे कि थोड़ा और उधर बनाइए। लड़की अब इसको आप लोग क्या लिखना है? काला मुझे बाल देखो ऐसे बना हुआ है। और नाम लिखिए ठीक है। तो आपको कंप्लीट करना है, ये आपका होमवर्क भी है। 9:35 जो जो कलर दिखेगा वो कलर भी कीजिएगा ठीक है। कलर भी कीजिएगा, सारे बच्चे से कलर भी करेंगे और यहाँ नाम भी लिखेंगे ठीक है। इसको कंप्लीट कीजिएगा। उसके बगल में आपको रंगों के नाम लिखने हैं और उसके ऊपर कलर भी करना है ठीक है। ये सब आपका रिवीजन वर्क है। मैम कल करना है, अभी करना है। होमवर्क है ये आपका। अब इसको आप जिसने बना लिया है ठीक है। किसी ने एक दो बच्चे को छोड़ के हमको पोएम की वीडियो बना के नहीं भेजी है? पास सुनिए बेटा। इसका कंप्लीट नहीं है अभी,
वन खींचे फिर बोला फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे और बना रहे हैं लोग लग आरुष आप दिखाइए आरुष अच्छा भी आप अन्ना पाड़े में पड़ जाए आराध्या शो करिए यार दिखाई मैम अभी मेरा नहीं हुआ जल्दी कर लीजिए टाइम फिनिश हो जाएगा खत्म हो जाएगा ना कैसे करेंगी आप उत्कर्ष आपने कर लिया ये मंडे डाल लीजिए ये थोड़ा ऊपर काला करिए कि जैसे नीचे वेरी गुड आराध्या उसका साफ तो करिए अच्छा हो गया उसका मैम हो गया मैम वीडियो ऑन करिए आपका आयुष कुमार दिखाइए शो करिए और साथ लिखिएगा प्लीज सर एक चलिए आप सिरावस आपका नहीं दिखाई दे रहा है ठीक से दिखाइए आप दिखाइए मैं ऊपर भी है ऊपर है ठीक है बच्चे ठीक है वेरी गुड मैम ऊपर भी है हमने बड़ी नहीं बना रहे रिवीजन चल रहा है एग्जाम की तैयारी हो रही है आवाज धन्यपाल से बोल रहे हैं ठीक है उसको भी मैं क्या पढ़ाया है वही पूछ रहा है आपसे नहीं बोल रहे सिया आपका हो गया शो करिए हमने ठीक है बेटा